क्या बच गई? वडिंग साहब, वडिंग साहब, 8 to 10 lakh रुपए के करीब नुकसान दसा जा रहा है, किस तरह डिमांड करते हैं? देखो गल ये है कि ये प्रॉब्लम हैगी काफ़ी जगह पर, काफ़ी शहरों के कि इस तरह शॉर्ट सर्किट नाल दुकाना का बहुत नुकसान हो जाता है, घर का भी नुकसान हो जाता है। सो अज जी बुट्टर साहब की मेरे ख्याल दिवाली त्यौहार के दिन है, सारी दुकान भरी हुई है, ये शॉर्ट सर्किट का नुकसान होया। सो मैनू लगता कि ये जरा नुकसान है, बिजली महकमे यी भरमाई करनी चाहिए है। सो असी सारे, क्योंकि जो अनहोनी होनी सी तो होगी, सारे जने कोशिश करांगे रिपोर्ट बना के, फिर बिजली महकमे SDM रिपोर्ट कर देता हों, तो करवा के फिर जरा चेयरमैन बिजली बोर्ड है वह फिर इरा देख के भी नुकसान किन्ने किदा होया है, तो फिर वह हरजाना मिल जाता है। मैनू उम्मीद है कि वो असी ले लांगे, पर जे किते कोई थोड़ी मोटी लड़ाई भी लड़नी पई तो लड़ लांगे। लेकिन ये अक्सर ही इस तरह का बिजली की जड़ा है शॉर्ट सर्किट के नाल बहुत लोगों का नुकसान हो गया, अज काफ़ी नुकसान होया। मैं त्यौहार से बड़ी उम्मीदा होंगे त्यौहार में लैके जी, है ना जी? हाँ जी, तो अच्छ उम्मीदा तो पानी पै गया तो चलो मैं समझना, देखो ये किसी का इंडिविजुअल कसूर तो नहीं है, मैं भी किसी को कह भी फलाने का कसूर है फलाने का, लेकिन बिजली वध घट हो जाती है। मेरा तो यही है कि जो नुकसान होया बुट्टर साहब का पूरी भरमाई आप महकमे कह के उ करा लीए, यही है। जे मैं कह जान के करता महकमे ने या किसी ने होर करता वो तो नहीं होया, बाई चांस इट हैपन इट हैपन, पर शुक्र है जानी मानी कोई नुकसान नहीं हो सकता इस गल। तो किस तरह लगी अग और कि नुकसान आई है? मैं तो टेलीफोन आया ब्रदर का भी अ दुकान अग लग गई, सारी दुकान मच गई, तो मेरे हिसाब से भी घट्टो घट भी 8 to 10 lakh का नुकसान हो गया, क्योंकि दिवाली का सीजन सी, दुकान का करियाने का काम से, होलसेल का काम है, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होया, सारा LCD वगैरह TV वगैरह सब मच गया है, कुछ भी नहीं रहा। तो पंजाब सरकार तो मैं मांग करना है भी छोटे छोटे जो दुकानदार है इन्होंने मुआवजा दिता जाए, तो यही कहूँगा मैं पंजाब सरकार। दिवाली का सीजन से इस तरह माल भर के दस कि माल टोटल वेखे मेरे हिसाब से 8 to 10 lakh का नुकसान होया, मेरा मन कहता घट्टो घट्ट भी।